गुलबर्गा शहर में लगातार बारिश की वजह से रिंग रोड टीपू सुल्तान चौक पर रोड डैमेज होने की वजह से यहां कई लोग गिर चुके हैं और लोगों को यहां से गुजरने में काफ़ी दुश्वारियां हो रही थीं। ये वही रिंग रोड है जहां अब तक कई नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीनों ने रोड की खराबी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। तेज़ बारिश में रोड को डैमेज होता देख पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब एजाज अली ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉन्टैक्ट कर इमीडिएट इस रोड की मरम्मत करवाई है। गुलबर्गा में तकरीबन 7-8 दिनों से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगहों पे ऐसे रोड डैमेज हुए हैं, तो वो उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई गाड़ियां यहां से जा रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है, नॉर्मल वे में उन्होंने निकल रहे हैं मगर गड़ा रहने की वजह से उसमें बहुत लोग गिर रहे थे। तो मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फ़ौरन कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद वो दूसरे दिन ही रेस्पॉन्स दिए, 3 से 4 दिन पहले आकर वो बनाकर गए थे, टेम्पररी सीमेंट और रेती डालकर इसको अच्छा पैक किया था, लेकिन फिर से बारिश होने की वजह से वो फिर से निकल गया है। अभी फिर कांटेक्ट करके हम लोग बुलाए हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो फ़ौरन रिस्पांस देती है गुलबर्ग, एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक जो इतना बड़ा इशू था रिंग रोड का वो तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन छोटे मोटे जो भी इशू रहते हैं हम जब भी उनको बुलाते हैं तो फ़ौरन आकर उसको रिपेयर करके जाते हैं और साथ ही साथ सर्विस रोड का भी हम उनसे डिस्कशन करे हैं तो एक फास्ट काम होने के उम्मीद है बोल के वो भी जताए हैं, तो इंशाल्लाह सर्विस रोड का भी काम बहुत जल्दी होगा। और ये जो जहाँ जहाँ गड़े हैं अगर किसी के पास भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही तो फ़ौरन हमें कॉन्टैक्ट करिए या नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आप कॉन्टैक्ट करिए, वो फ़ौरन आकर उसको बनाते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। डेफिनेटली हाईवे जो भी हाईवी जो व्हीकल खास तौर पर सैंड यहाँ पे ले जाई जा रही है जिसकी वजह से रोड को इतना डैमेज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है सिवाय उसको बंद करने के, रेती को ट्रांसपोर्ट से बंद करने के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी डिस्कस किए, वो बोलते हैं कि पड़तल नहीं पड़ता है रेती लाने के बाद, अगर उन्होंने कम रेती लाए तो पड़तल नहीं पड़ता है, एक अलग 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 रीज़न उन्होंने बताते हैं। बहरहाल बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हाईवे व्हीकल यहाँ से जा रहे हैं, तो हम लोग यही आपसे डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इसका एक सब रोड जो आप एक एक्स्ट्रा जो रिंग रोड बनाई जा रही थी आउटर रिंग रोड उसको फ़ौरन से फ़ौरन कम से कम यूनिवर्सिटी रोड से लेकर हुमनाबाद रोड तक अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो ये सब मसले हल हो जाते हैं। उधर एमएसटी मिल की तरफ का और महबूब नगर की तरफ का जो रिंग रोड है ये पूरा एकदम छोटी गाड़ियों के लिए रहेगा और बड़े गाड़ियाँ बाहर से चले जाएंगे।